क्या 2019 का 370 के हिसाब से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 370 बीजेपी के पास है। जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल को दिखाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है और धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ रही है। विपक्षी दल जो है वो आपस में असमंजस की स्थिति में तो है ही, साथ ही साथ मजबूती के साथ जो भी आपके पॉइंट्स है वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 प्लस सीटों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि कल भी हमने इस पर वीडियो बनाया था और कहा था कि उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए निशाने साधे हैं विपक्ष पर। वो कह रहे हैं कि 370 तो बीजेपी के पास है और 400 से ज्यादा एनडीए लेकर आ जाएगी, लेकिन आधार क्या है? सवाल ये है, क्या 2019 का 370 के हिसाब से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 370 बीजेपी के पास है? अगर आप 2014 से बाद इन 10 सालों को देखेंगे तो बहुत कुछ बड़े फैसले लिए गए जिस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जिससे दूर भागती थी या जिस पर हाथ डालने से कांग्रेस डरती थी, लेकिन वो बीजेपी ने किया। इसमें सबसे बड़ा अगर हम राजनीतिक उससे देखें तो बड़ा फैसला लिया गया 370, और अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा फैसला यहां पर जो आया वो था राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर जो पहल हमने देखी और जो तेजी हमने देखी बीजेपी की वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। देखिए, वैसे तो बीजेपी ये कह रही है कि हम अपने काम को जो हमने धरातल पर उतारा है उसके आधार पर हम 400 प्लस की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन 10 सालों में महत्वपूर्ण काम क्या हुए। देखिए, अगर 2014 के बाद से हम इन सालों को देखें तो कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं आई जिसका लाभ देश का बहुत बड़ा वर्ग उठाता हुआ नजर आया। कई ऐसी परियोजनाएं आई जिसका लाभ लोगों को हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु थे वो ये था कि आतंकवाद पर जोरदार प्रहार करना, उसकी बानगी हमने देखी सर्जिकल स्ट्राइक से भी और एयर स्ट्राइक से भी। उसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, सेना को फ्री हैंड है। इसके बाद जो मुख्य जो फैसले हम देखें तो 370 हटाना, जहां पर जिस पर हाथ डालने से कहीं ना कहीं पहले की सरकारें डरती थी वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो फैसला आया वो था तीन तलाक। तीन तलाक कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के लिए था, ताकि मुस्लिम महिलाओं को जो विश्वास है वो बीजेपी में और ज्यादा गहरा हो। इसके अलावा योजनाओं से भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये एक कहीं ना कहीं पहल रखी गई कि महिलाओं को लेकर हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी बीते दिनों 26 जनवरी को देखा, पूरी तरह से मातृशक्ति नारी शक्ति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और विजन भी कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी जब 370 कह रही है, 400 एनडीए कह रहा है, तो गठबंधन क्या करेगा? इंडिया गठबंधन या तो ये पूरी तरह से ओवर पॉजिटिविटी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी के पीछे जो संघ है वो मजबूती के साथ काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो संघ काम कर रहा है उसे आइडिया लगा है कि जनता कितना विश्वास केंद्र सरकार पर जता रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर
ये आंकड़े वाकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि यूसीसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और उत्तराखंड में आज ही यूसीसी का जो बिल है वो पटल पर रखा गया। 80 हमने पूरी तरह से पूरा टारगेट कर लिया है, 20 बच्चे हैं, 20 भी मान जाएंगे, कुछ ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही है। यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल को दिखाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है और धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आ रही है। जैसे कि कल ही उन्होंने जिक्र किया नेहरू का, इंदिरा गांधी का, कि इन्होंने भारतीयों की तुलना जो है वो आलसी लोगों से की। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार इतने सालों तक भारत में फल रहा था, फूल रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने काम किया है और तेजी के साथ काम किया है, जितना काम पिछले 70 सालों में हुआ उतना काम हमने 10 सालों में करके दिखा दिया। सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है कि कंपैरिजन आप कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर इसी तरह से काम करती तो शायद आज कुछ और, जो हम 2047 का सपना देख रहे हैं वो शायद अभी हो जाता, 50 सालों में पूरा हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने कछुए की चाल से काम किया है, इसी वजह से आज भी हम पूरी तरह से विकसित नहीं है, आज भी हम विकासशील हैं और विकसित होने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चेहरा बनकर जनता के सामने आए हैं जिसे आम जनता कहीं ना कहीं मसीहा के रूप में देखती है। वो इमेज और वो छवि जो है वो क्रिएट कर ली गई है और विश्वास बना है, जैसे मोदी की गारंटी वो बोल रहे हैं। तो क्या ये गारंटी है कि 400 से ज्यादा एनडीए लेकर आएगी और 370 से ज्यादा बीजेपी, और इस गारंटी पर क्या आम जनता विश्वास कर रही है? ये महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा जो गलती हुई है वो ये कि विपक्षी दल जो है वो आपस में असमंजस की स्थिति में तो है ही, साथ ही साथ मजबूती के साथ जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने शीट शेयरिंग को लेकर सवाल अब भी कायम है, बहुत कम समय बचा है। इस बीच पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आम चुनाव को लेकर शीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच शीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। इसके तहत राज्य की 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटें, कांग्रेस को 15, शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें और प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी को 2 सीटें देने पर गठबंधन राजी हुआ है। इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। अब एक राज्य में इतना समय लगा रहे हैं शीट शेयरिंग को लेकर, तो फिर ऐसे तो आप पूरा कैसे करेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर विपक्ष को वाकई एनडीए को पटकनी देनी है तो मजबूत विकल्प रखना होगा, क्योंकि इन 10 सालों में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग मेरी बातों से एग्री ना हो और बहुत लोग ये कहें कि क्या हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर आप देखें तो भारत की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इन 10 सालों में देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो भी बड़ी चीजें हुई हैं वो इन 10 सालों में हो गई, शायद वो बीजेपी की किस्मत, एनडीए की किस्मत हो सकती है। लेकिन देखिए, चाहे वो चंद्रयान की हम बात कर लें, गगनयान की हम बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में हम बात कर लें, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से अब भारत का नाम गर्व से पूरे विश्व में लिया जाता है और जिस रिस्पेक्ट से लिया जाता है वो किसी से छिपा है नहीं है, और यही मजबूती बन रही है एनडीए की, और इसी वजह से एनडीए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है कि हम तो 400 पार ही लेकर आएंगे। इस ओर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर बीजेपी किस तरीके की लाइन लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि
ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई का मुद्दा है, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले अगर जरा सी भी महंगाई होती थी तो जब उस समय जब एनडीए विपक्ष में थी तो इन मुद्दों को इतनी गंभीरता के साथ और इतने पॉइंट्स के साथ और एक मैप तैयार करके एक ब्लूप्रिंट के साथ रखती थी धरातल पर कि सरकार गिर जाती थी। देखिए, टमाटर पर भी सरकार गिरी है, प्याज पर भी सरकार गिरी है, लेकिन आज का विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी हमले और पोस्ट के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। धरातल पर विपक्ष तब जागता है जब चुनाव बेहद नजदीक आ जाता है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ दलों के साथ आए दिन बैठक हो रही है, कोशिश कर रहे हैं विपक्ष। जनवरी में ही महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मकता देखी नहीं गई। लेकिन अब जो वादे और दावे किए जा रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। चीज शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं तैयार होने की बात हो रही है, लेकिन गठबंधन को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार में पहले ही हमें झटका लग चुका है। अब कांग्रेस के सामने सवाल अब भी है, कांग्रेस अब भी ये सोच रही है कि क्या हमें गठबंधन के साथ ही आगे चलना है या फिर हमें अलग से लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना होगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे पार्टियां अलग होती जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है, जल्दबाजी होगा कहना। तो ये अब एनडीए गठबंधन और यहाँ पर इंडिया गठबंधन दोनों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो कहते हैं कि कुछ राज्यों में बीजेपी डरी हुई है और इन्हीं राज्यों में बीजेपी वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश कर रही है जिस जोड़ तोड़ की राजनीति उन्होंने बिहार में की है। हो सकता है कि बीजेपी कुछ राज्यों में अपने आप को कमतर आंक रही हो या कमजोर मान रही हो, लेकिन वहां पर भी जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, अगर दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में एनडीए उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां पर जनसभाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश एनडीए कर रही है। लेकिन अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की हम बात करें, प्रदेशों की हम बात करें, तो यहाँ पर विपक्षी दल कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय दल तो होंगे मजबूत, लेकिन लोकसभा में वो भी कहीं ना कहीं निस्त नाबूद हो जाते हैं। 2019 में हमने वो चीज देखी थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो इधर राजस्थान की हम बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपने क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गए हैं। और विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बहुत तवज्जो मिल भी जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरे के आगे कोई और विकल्प नजर जनता को नहीं आ रहा है। शायद अगर इंडिया गठबंधन वो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख दे तो हो सकता है कि जनता विश्वास कर ले, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है जिसका काट लाना विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मोदी की गारंटी मोदी जी कहते हैं, तो वो गारंटी जनता भी मोदी जी को दे रही है, चाहे वो 2014 की आप बात कर लो, चाहे 2019 की हम बात कर ले। वोटिंग परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर चुनाव में एनडीए उभर कर सामने आ रही है। वजह बहुत सारी है और इन वजहों को ही इंडिया गठबंधन को समझना है। अगर इंडिया गठबंधन इसे समझ जाता है अभी, तो हो सकता है कि चुनावी परिणाम जो हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मोदी की गारंटी के तहत ये कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर आएगी और 370, तो फिर कुछ ना कुछ बात अंदर खाने हैं। शायद वो 5% का रिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ढूंढ निकाला है, और यही वजह है कि इतने बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं अपने काम के दम पर। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर का सहारा ले सकती है चुनाव में। ठीक है, हो सकता है कि बीजेपी इसको समझे,
लेकिन जो मांगे इतने सालों से हो रही थी वो मांग जो है वो बीजेपी कार्यकाल में पूरी हुई और बीजेपी कार्यकाल में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इससे बीजेपी को फायदा तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अपने लिए नेगेटिविटी सेट खुद विपक्ष ने करी थी, वो नेगेटिविटी हटाने का समय विपक्ष के पास था, लेकिन विपक्ष ने वो भी गंवा दिया। और यही वजह है कि आज डंके की चोट पर बीजेपी कह रही है कि हम 370 और एनडीए गठबंधन 400 प्लस सीटें लेकर आएगा। तो क्या विपक्ष को शून्य करने की तैयारी है? क्या पूरी तरह से विपक्ष शून्य हो जाएगा? क्या विपक्ष विहीन 5 साल का कार्यकाल होगा? विपक्ष तो जरूरी है, फिर मुद्दे कौन उठाएगा? आम जनता के मुद्दे धरातल पर कौन रखेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझना होगा आम जनता को भी, विपक्षी पार्टियों को भी। और एनडीए तो अपना काम कर ही रहा है 400 प्लस पर, बूथ बूथ जाकर, घर घर जाकर अपनी योजनाओं, अपनी गारंटी की बात लगातार बताकर। तो पीएम मोदी अब एक ब्रांड चेहरा बन गए हैं और जनता ने विश्वास किया है उस चेहरे को, और जनता विश्वास कर रही है। अगर विपक्षी दल प्रधानमंत्री फेस सामने रखते हैं तो हो सकता है कि गुणा गणित कुछ और नजर आए, वरना आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। भारत 8 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।